घनत्व का अर्थ होता है प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या, और सबसे यानी कि एक किलोमीटर अगर आया वर्ग बनाया जाए, किलोमीटर ऐसा फिर एक किलोमीटर ऐसा, इस क्षेत्र में जितने लोग रहे तो प्रति वर्ग किलोमीटर रहने वाले लोगों की संख्या जनसंख्या घनत्व कहलाती है। तो किस राज्य का सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व है? तो देखिये उत्तर प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में चौथा राज्य जनसंख्या सबसे ज्यादा, लेकिन जनसंख्या घनत्व नहीं है सबसे ज्यादा। क्यों? क्योंकि अगर जनसंख्या ज्यादा है तो यहाँ का क्षेत्रफल भी चौथे नंबर पे है। जनसंख्या घनत्व का मतलब ये है भले ही राज्य छोटा हो लेकिन वहां रहने वाले लोगों की संख्या ज्यादा हो तब जनसंख्या घनत्व ज्यादा होगा। जैसे कि एक कमरे में एक बड़ा सा कमरा है उसमें 20 लोग बैठे और एक छोटा सा कमरा है उसमें भी 20 लोग बैठे, तो जनसंख्या घनत्व किसका ज्यादा होगा? छोटा कमरा होगा। क्यों? क्योंकि उसमें ठसे ठसे लोग बैठे पास पास, और बड़ा कमरा होगा उसमें दूर दूर होंगे लोग उतने ही। तो जनसंख्या घनत्व इस बात पर निर्भर करता है कि प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में कितना। तो दिल्ली जो राज्य है उसका जनसंख्या घनत्व सबसे ज्यादा है, क्योंकि दिल्ली राज्य क्षेत्रफल में तो छोटा है लेकिन जनसंख्या वहां पर प्रति वर्ग किलोमीटर में 11,320 लोग रहते हैं। मतलब एक किलोमीटर इधर चले जाओ एक किलोमीटर इधर चले जाओ इतनी जगह में 11,000 लोग रहते हैं। तो जनसंख्या घनत्व तो सबसे ज्यादा दिल्ली राज्य का है। दिल्ली अपना राज्य भी है, पहले दिल्ली राज्य नहीं था, भारत की राजधानी थी, दिल्ली एक शहर था, फिर दिल्ली राज्य बना, और दिल्ली राज्य बना तो अब दिल्ली राज्य का जनसंख्या घनत्व तो सबसे ज्यादा है। तो ये जनरल नॉलेज के प्रश्न होते हैं, यही पूछे जाते हैं।